Very, very good morning, members. So today we start Research Aptitude 40 updated most important points. जी हाँ, इसमें आपको 40 जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है फ्रॉम पेपर वन से, उसके यहाँ पे आपको अपडेटेड जो हमारा पूरा सिलेबस है, मैं आपको कोशिश करूँगी वो इन 40 पॉइंट्स में कवर हो जाए, पूरा का पूरा सिलेबस जो रिसर्च एप्टीट्यूड का है. ऐसे ही मैंने आपको वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी दी थी, जो अपडेटेड पॉइंट्स पर बेस था. सो वो भी आप ज़रूर देखना, वो बहुत ज़रूरी है वीडियो. और उसके बाद आप ये ज़रूर देखना, इससे पहले रिसर्च की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने रिसर्च के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए थे, तो वो भी ज़रूर देखना. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च. सी, द रिसर्च कंप्राइजेस क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमंस, कल्चर एंड सोसाइटी, एंड द यूज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशन. इट मीन्स रिसर्च, रिसर्च इट्स लाइक अ री प्लस रिसर्च, मतलब जो ऑलरेडी आपके पास है उसको दोबारा से सर्च करना, अगेन रिसर्च. सो कंप्राइज क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ, जो ऑलरेडी नॉलेज आपके पास है बस उसमें आपको थोड़ा और एडअप करना है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक रिसर्च. बेसिकली वी आर स्टार्ट द टाइप ऑफ रिसर्च. सो दिस इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, इज अ बेसिक रिसर्च. सो बेसिक, इट इज़ नाम से पता लग रहा है बेसिक से कि बेसिक है, मतलब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, कोई अप्लाइड नहीं करना है, जस्ट अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो. इट कवर फंडामेंटल एस्पेक्ट. अब इस बेसिक रिसर्च के 3 नाम होते हैं, एक तो है बेसिक रिसर्च, एक है फंडामेंटल रिसर्च, एक दिस इज अ प्योर रिसर्च. सो यहाँ पे द मेन मोटिवेशन क्या है इस रिसर्च का, कि हमें जस्ट अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है. कोई आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे अप्लाइड नहीं करना है, ठीक है. दिस इज़ अ नॉर्मल बेसिक रिसर्च. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज अप्लाइड रिसर्च. अब ये आता है आपका अप्लाइड, ये आपकी बेसिक रिसर्च से थोड़ा एडवांस है. इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम एकदम से आई, बस आपने ऐसा नहीं है कि आपने एक्शन लेना है, एक्शन अलग है और अप्लाइड रिसर्च अलग है. आपको इसमें भी डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए क्या है. एक्शन रिसर्च होता है कि आप एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हुई और आपने तभी के तभी एक्शन लिया, आपको नहीं पता था आपने क्या एक्शन लेना, बट आपने अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्शन लिया, दिस इज़ अ एक्शन रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च होता है कि जो बेसिक रिसर्च है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूटन है, रूल्स हमें बनाए हुए हैं जो कि आप अगर कभी भी ये प्रॉब्लम आती है तो आपको यही वाली प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन करना है, आपको कुछ और नहीं करना. सो मतलब कि अप्लाई करना, जो ऑलरेडी एक रूल बना हुआ है उसको अप्लाइड करना टाइम टू टाइम. सो अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम. दिस टाइप ऑफ रिसर्च रेफर टू द स्टडी दैट हेल्प सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मैथड. साइंटिफिक मैथड में आपका आ जाता है न्यूटन, जो आप इजिली उस चीज़ को समझ सकते हो कि जो हमारे रूल्स होते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो बुक्स में हैं, जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, हम उसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं. कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड, तो आप उस चीज़ को अप्लाई करो, दिस इज़ अ अप्लाइड रिसर्च. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च. प्रॉब्लम आपको पता है क्या होता है, ओरिएंटेड होता है इंट्रोडक्शन, मतलब किसी भी आपको पता ही नहीं अभी प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या रिसर्च करोगे. सबसे पहले तो प्रॉब्लम का ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन होना चाहिए. सो एज अ नेम सजेस्ट, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट रेलिवेंट सोल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च. प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना. अब आपको पता लग गया कि प्रॉब्लम है क्या, अब उस चीज़ को सॉल्व करना. सो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कंडक्टेड बाय कंपनीज टू अंडरस्टैंड एंड रीसॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च यूजेस अप्लाइड रिसर्च. यहाँ पे आपका जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है तब वहाँ पे आप अप्लाई करते हो. जैसे कोई भी रूल है, आपने बस उस चीज़ को अप्लाई करना है. आपको पता है ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस टाइम हमने ये चीज़ यूज़ की थी, अभी भी वही चीज़ यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च. नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च. अब इनके नाम से ही पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ऑब्जर्वेशन करना. सो क्वालिटेटिव रिसर्च में आप कोई भी साइंटिफिक, हम कोई स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ नहीं करते हैं. क्वालिटेटिव मतलब आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो. सो इन डेप्थ अंडरस्टैंड ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब आपको पता लग गया है प्रॉब्लम क्या है, अब आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने फैक्ट्स एंड फिगर से नहीं, जस्ट आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो.
इश्यूज़ इन द नेचुरल सेटिंग, आप उसमें अपने जो वेरिएबल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है हाइपोथेसिस क्या होता है, सो हाइपोथेसिस में आप जो भी चांसेस होते हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उस चीज़ को यूज़ करते हो. बट यहाँ पे वो भी पॉइंट नहीं है, आप अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसे ही रहना. बट आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और हमें उस चीज़ को सोल्यूशन कैसे निकालना है. नेक्स्ट पॉइंट इज मैथड जो यूज़ होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. सबसे पहले है 1-to-1 इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू, कंटेंट टेक्स्ट एनालिसिस, केस स्टडी रिसर्च. दिस इज ऑल्सो अर मैथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी से पता लग रहा है, यहाँ पे हम फैक्ट्स एंड फिगर जो स्टैटिस्टिकल डाटा है हम वो उस चीज़ को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे. अब ये एक तरह से स्टेप बाई स्टेप एक तरह सोल्यूशन होता है, इसमें ना ही आपको कोई ऑब्जर्वेशन करनी है ना ही कोई सरप्राइजली एक्ट करना है. सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड एनालाइजिंग इट टू ड्रॉ कंक्लूजन. सो दिस सिंपली इज़ लाइक आपको पहले तो अपना डाटा कलेक्ट करना है जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है और फिर उसको एनालाइज करना है प्रॉपरली. नेक्स्ट पॉइंट इज देर आर 3 पर्पस ऑफ रिसर्च. अभी तक हमने किया है टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब हम कर रहे हैं पर्पस ऑफ रिसर्च. सो 3 पर्पस होते हैं रिसर्च के. फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मतलब हम रिसर्च कर ही क्यों रहे, किसी भी टॉपिक पर ले लो. अगर हम फाइनेंस में रिसर्च करना चाहते हैं तो फाइनेंस में हमारे बहुत टॉपिक हैं, लाइक शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स है, कंपनी कैसे यूज़ करती है कैपिटल को, कौन किस तरह के कैपिटल्स यूज़ करती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट. सो ये हो गया आपको एक्सप्लोर करना, मतलब ये आप क्यों कर रहे हो, ये इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको जो टॉपिक दिया है जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सको, उसके डेप्थ में जा सको. सो एज द नेम सजेस्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर, मतलब कि खुलना, ठीक है, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है उस चीज़ को थोड़ा सा और आप उस पर अंदर जाना, डीपली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना. सो बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नॉट ऑफर अ फाइनल कंक्लूजन टू द रिसर्च कंडक्टेड, इट इज़ कंडक्टेड टू हैंडल न्यू प्रॉब्लम. मतलब ऑलरेडी एक रिसर्च हम हो चुकी है फाइनेंस पे, बट हम दोबारा फाइनेंस पे इसलिए रिसर्च कर रहे हैं कि जो टॉपिक अभी तक नहीं टच हुए हैं उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, ये चीज़ हुई क्यों थी. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्राइब करना. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेसिक रिसर्च. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेन करना. मतलब ऑलरेडी कैजुअल रिसर्च है, इसमें आपको कोई भी प्रोसेस स्टेप फॉलो नहीं करना है, बस एक तरह कैजुअल आपने रिसर्च करनी है, एक्सप्लेन करना है आप ये रिसर्च कर क्यों रहे हो. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेसिक रिसर्च. दिस इज ऑल्सो 3 मेजर पर्पस है रिसर्च के, हम रिसर्च करते क्यों हैं, एक्सप्लेन करने के लिए किसी टॉपिक को, एक्सप्लोर करने के लिए और उसको डिस्क्राइब करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, मैं आपको बताना चाहती हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑलरेडी पता है हम रिसर्च क्यों करते हैं, ठीक है, ये एक्सप्लोर करने के लिए कॉन्टिन्यूज होता है. सो रिसर्च ओरिजिनेट विद अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम, और ये आप हमेशा याद रखना कि कोई भी रिसर्च है वो हमेशा स्टार्ट कैसे होती है, एक प्रॉब्लम से, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव से, उनका क्या बेसिक एक मेन गोल है. सो हमेशा ये क्वेश्चन में आता ही है कि द मेन स्टेप ऑफ रिसर्च, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. नेक्स्ट टॉपिक इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसर्च रिक्वायर क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ अ गोल. मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च आप कर क्यों रहे हो, आपको पता होना चाहिए पहले से प्रॉब्लम का और किस टॉपिक पे कर रहे हो. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च यूजली डिवाइड द प्रिंसिपल प्रॉब्लम, मतलब जो एक मेन, अब आपको पता लग गया प्रॉब्लम क्या है, अब आप उस चीज़ को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो. सो दिस इज अ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म. इस पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं यूट्यूब पे, उसको मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है और अभी तक किसी आई थिंक यूट्यूब पे या कहीं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया. तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने हैंड रिटन नोट्स से, तो वो भी आप ज़रूर देखना अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझना है. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है. सो पॉजिटिविज्म क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आपको देखो जो आपके पास डाटा है, जितना आपके पास डाटा है आप उसी में से रिसर्च कर सकते हो, उसके आगे नहीं सोचना आपने, मतलब क्या पता ये केस भी हो, मतलब आप ना उस चीज़ को डेप्थ में सोच रहे हो. दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, मतलब जितना आपको डाटा दे दिया आपने उसके बेसिस पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया,
उसे आगे आप उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते. दिस इज़ अ पॉजिटिविज्म रिसर्च. सो पॉजिटिविज्म इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट रिलाई स्पेसिफिकली ऑन साइंटिफिक एविडेंस. जो आपके पास एविडेंस है उसी पे ही आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसी से ही आप अपने कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो. दिस इज़ अ पॉजिटिविज्म. इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी आगे, सो उसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो पॉजिटिविज्म ये वही पॉइंट है. 14th पॉइंट इज ट्रू नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेस एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. सी, जो ट्रू नॉलेज है, कोई भी नॉलेज है, वो बेस्ड होती है एक्सपीरियंस पे. ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब बेसिकली इसमें इंक्लूड है क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक है, पॉजिटिव रिसीव फ्रॉम द सेंसेस एंड आर नोन एज एम्पिरिकल एविडेंस. सो यहाँ पे पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन एम्पिरिज्म, मतलब ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव फैक्ट आपको देखना है, आपको कोई नेगेटिव है उसको एक्सप्लोर नहीं करना है. जितना आपके पास डाटा अवेलेबल है बस उसी में से ही आपको निकालना है. बट इससे आगे देखिए, पॉजिटिविज्म जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है. मतलब इसमें आपको कोई भी रिसर्चर है जो रिसर्च कर रहा है और जो आपके पास डाटा है उनके बीच में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई भी बायस नहीं होता है. मतलब आप ये नहीं कह सकते हो, किसी के फेवर में नहीं जा सकते हो. जितना आपके पास डाटा है आपने उसी के बेसिस पे इसका सलूशन निकाल लेना है. बट जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, मतलब ये देखिए, जो आपका पास ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिविज्म और दिस इज़ अ सेकंड टॉपिक पोस्ट पॉजिटिविज्म. सो पोस्ट मतलब कि हो चुका है, एक्सेप्ट करता है थ्योरीज़ को, ये उसके एक्सप्लोर में जाता है. मतलब ये ऑब्जर्वेशन को मानता है, ये जस्ट डाटा नहीं देखता है कि आपके पास जितना डाटा है, नहीं, ये उस चीज़ को उसके बैकग्राउंड को चेक करता है. नॉलेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिसर्चर कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इज़ ऑफ. अब यहाँ पे आपको वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के चांसेस होते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिलाई करती है, आपका पर्सनल टच यहाँ पे यूज़ होता है एज बियॉन्ड, मतलब आप उस डाटा के बियॉन्ड जाकर आप काम कर रहे हो यहाँ पे. बट पॉजिटिविज्म में नहीं होता है. जितना आपके पास डाटा है, जैसे कोर्ट में होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कोर्ट में होता है ना कि आपको जितने प्रूफ दे दिया आप उसी के बेसिस पे अपना जो भी उस पे जजमेंट कर दोगे, तो ये है पॉजिटिविज्म. मतलब यहाँ पे आप उसके आगे नहीं सोच सकते हो. पर पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है कि क्या पता इसके आगे भी कोई चांसेस हो, जो हमें प्रूफ दिया हुआ है क्या पता ये सही ना हो. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काम करती है, दिस इज़ अ पोस्ट पॉजिटिविज्म. अब ये न्यू एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाते समझाते ही माइंड में आया है. सो आप ये अब देख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल पॉजिटिविज्म जो होता है उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ होते हैं, बट जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है इसमें दोनों यूज़ होते हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी. नेक्स्ट वी स्टार्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. अब स्टेप ऑफ रिसर्च में मैं आपको फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम. सेकेंड पॉइंट इज रिव्यू द लेक्चर. रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है किसी भी लिटरेचर को. लिटरेचर कौन सा, जो भी आपका टॉपिक है उस पे बेस्ड जितने भी लिटरेचर हैं, सबसे पहले तो आपको पता लग गया प्रॉब्लम क्या है, अब आप उस लिटरेचर को रीड करोगे. दिस इज़ अ रिव्यू द लिटरेचर. थर्ड पॉइंट इज क्लैरिफाई द प्रॉब्लम. फोर्थ स्टेप इज क्लियरली डिफाइन टर्म्स द कंसेप्ट. एंड फिफ्थ स्टेप इज डिफाइन द पॉपुलेशन जिस पे आपने रिसर्च करनी है. सिक्स स्टेप इज डेवलप द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान. एंड सेवन्थ एंड लास्ट इज कलेक्ट डाटा एंड फाइनली एनालाइज द डाटा. नाउ फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च प्रॉब्लम. मे बी समथिंग एज एजेंसीज जो होती हैं इसकी, वो आइडेंटिफाई करती हैं प्रॉब्लम को, देन उस पर बेस वो नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन वो जो भी एजेंसी को चाहिए होती है तो वो चेक करती है कि हमें इसके लिए डाटा कहाँ से मिल सकता है. सो दिस इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च, जो आपका रिसर्च स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम देख ली क्या है. सेकंड स्टेप है द रिसर्चर है वो रिव्यू करेगा लिटरेचर को. ये मैंने आपको बताया, इसके बाद ही आपकी हमेशा रिसर्च आगे होती है. अब आप इसको अगर प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने आज माइंड में सोच लिया कि चलो मुझे एक रिसर्च पेपर बनाना है. अब आपने क्या लिया, आप अगर कॉमर्स के हो तो आप फाइनेंस लोगे, मार्केटिंग लोगे, अकाउंट्स लोगे. आपने वो ले लिया, आपके माइंड में आ गया कि चलो मुझे ठीक है अकाउंट्स पे लेना है. अब आपने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. लाइक आपने सोच लिया कि मुझे फाइनेंस में कैपिटल स्ट्रक्चर पे रिसर्च करनी है. अब आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड कहीं भी आपको डाटा मिलेगा, रिव्यू करोगे उस लिटरेचर को. आपको कोई बुक मिलेगी, आपको इंटरनेट से कुछ भी मिलेगा उसका लिटरेचर, आप वो पढ़ोगे, उसके बाद ही आप रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो. तो अगर आपको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो. थर्ड स्टेप जो है आपका, अब आपने क्या किया, दिस कैन ओनली बी डन आफ्टर द लिटरेचर हैज़ बीन रिव्यू.
थर्ड स्टेप हमेशा आपका तभी स्टार्ट होगा जब आपने सेकंड स्टेप को अच्छे से करा होगा, इट मींस आपने रिव्यू करा होगा लिटरेचर को अच्छे से. सो द नॉलेज गेन थ्रू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर गाइड द रिसर्चर इन क्लैरिफाई एंड नैरोइंग द रिसर्च प्रोजेक्ट. सो आपने पहले ब्रॉडकास्टिंग कर लिया अपनी रिसर्च को, अब उसको नैरो करना है. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज टर्म एंड कंसेप्ट आर वर्ड्स और फ्रासेस यूज्ड इन द पर्पस स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी. दिस आइटम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके टर्म्स एंड कंसेप्ट यूज होने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, अब आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे, डिफाइन करोगे और अप्लाई करोगे. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च प्रोजेक्ट कैन फोकस ऑन अ स्पेसिफिक ग्रुप. अब यहाँ पे देखिए जिस पे आपने रिसर्च करनी है आप वहाँ से डाटा तो लोगे, सर्वे तो करोगे. अब वो सर्वे किस पे करोगे, पॉपुलेशन पे करोगे, ठीक है, या फिर कहीं एम्प्लॉइज पे करोगे, इवेल्यूशन करोगे, प्रोग्राम्स कहीं तो करोगे, फाइनेंशियल अगर आपने फाइनेंस में करना है तो फाइनेंशियल स्टेटस पे करोगे, तो वो आपको कहाँ से डाटा मिल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उस चीज़ को आपने इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान करना है, एक रोड मैप तैयार करना है, एक डिज़ाइन करना है कि आपने पूरी स्टडी कैसे करनी है. ठीक है, अब आपने कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, उसको कैसे आपको एनालाइज करना है, या आप वहाँ पे यूज़ करोगे कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है रिसर्च का. नेक्स्ट पॉइंट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा हो चुका है, इज़ अ क्रिटिकल स्टेप. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब वहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके रिसर्च के क्वेश्चन के लिए अवेलेबल है या नहीं है, इनफ है या नहीं है, अब आपने वो देखना है. हर एक आपने रिसर्च में डाटा ले लिया, अब एवरी स्टडी इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ सम टाइप ऑफ डाटा वेदर इट इज़ फॉर्म द लिटरेचर और अ फॉर्म सब्जेक्ट टू आंसर द क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट इज द रिसर्च फाइनली हैज़ डाटा टू एनालाइज. अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आप वहाँ से एनालाइज कर लोगे जो भी आपको प्रॉब्लम थी, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम थी रिसर्च में, अब आप देखोगे कि उसके बेसिस पे ये रिसर्च आंसर निकला है या नहीं निकला है. इन द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान द रिसर्चर स्पेसिफाई हाउ द डाटा विल बी एनालाइज. द रिसर्चर नाउ एनालाइज द डाटा अकॉर्डिंग टू द प्लान. प्लान कौन सा, जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया था. आप इस चीज़ को ये भी बोल सकते हो कि रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन इज़ लाइक अ ब्लू प्रिंट ऑफ द रिसर्च. नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च. अब रिसर्च में जो यूज़ होता है ICT. ICT द फुल फॉर्म इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो टीचर यूज़ करते हैं ICT को टू रिसर्च फॉर टीचिंग मटीरियल्स, पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज एज वेल एज टू एड देयर टीचिंग. ओके, अब जो ICT में कैसे यूज़ कर सकते हो आप, सॉरी रिसर्च में आप ICT को कैसे यूज़ कर सकते हो, टीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक उन्होंने कोई भी पार्टिसिपेट करना हो ऑनलाइन मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेज में, तो वो यूज़ कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को. एंड स्टूडेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए ये रेफरेंस टूल है, मतलब वो वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं. दे यूज़ इंटरनेट टू सर्च फॉर द स्टडी मटीरियल्स. रिसर्चर यूज़ ICT ऑल्सो. नेक्स्ट टॉपिक इट अब पर्पस क्या होता है ICT का इन एजुकेशन इज जनरली टू फेमिलराइज स्टूडेंट विद द यूज़ एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड सोशल एंड एथिकल इशूज. लर्न मोर इन रिसर्च पॉलिसीज फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन यूरोप. नेक्स्ट पॉइंट इज द रोल ऑफ ICT इन रिसर्च. यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो रोल है हमारा ICT का, ICT क्या है, हमारा जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर्स हैं, जो उनको कैसे यूज़ कर सकते हो आप रिसर्च में. अब आप खुद ही सोचिए, गूगल आप नहीं यूज़ करोगे रिसर्च के लिए तो लिटरेचर कहाँ से होगा, सेकंड स्टेप तो होगा ही नहीं. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रेफर करना है, आपको रेफरेंस करनी है. ई रिसर्च इज़ द यूज़, ई रिसर्च, ई बुक, ये आपको ऑलरेडी पता है इंटरनेट से जो आपको रिसर्च मिल सकती है. सो ई रिसर्च एग्जिस्ट टू इंश्योर रिसर्च प्रोसेस आर मोर इफेक्टिव. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च यूजेस ICT वेरी एक्टिवली एंड इनोवेटिवली सिंस द जनरल आइडिया इज़ टू ऑब्जर्व करना, गैदर करना ऑब्जर्वेशन को, कैटेगराइज करना, एनालाइज करना फ्रॉम हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है, जो चांसेस है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. सो टेस्ट करना, ड्रॉ कंक्लूजन एक्स्ट्रा बाय अदर वर्ड्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन. सो ये सारा देखो, आपने ऑब्जर्वेशन की, लिटरेचर कहाँ से लेना है, ऑब्जर्वेशन करना है, एनालाइज करना है, कलेक्ट करना है, ये सारा आप कैसे कर सकते हो ICT से.
सो आईसीटी में क्या है, सबसे पहले आपको जैसे ई रिसर्च करना है, जब मैं आपको बताया ई बुक होती है तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च एथिक्स इज स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन द एनालाइज ऑफ एथिकल। अभी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम फॉलो करते हैं किसी भी फील्ड में, होम है, स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, जॉब है, वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम फॉलो करते हैं दिस इज अ एथिक्स। सो रिसर्च में भी कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्टेड पार्टी जो आपके साथ है, मतलब जो आपका पार्टिसिपेट कर रही है रिसर्च में, उसको हमेशा से ही इन्वॉल्व करना, एक्टिवली उसको सपोर्ट करना, दिस इज अ मेन ऑब्जेक्टिव। सो देर आर थ्री ऑब्जेक्टिव हैं रिसर्च में। सबसे फर्स्ट है एंड ब्रॉडकास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च एथिक्स का, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन पार्टिसिपेंट, जो ह्यूमंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी रिसर्च में उनको हमेशा प्रोटेक्ट करना, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको लीक नहीं होने देना, सीक्रेटली इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च एथिक्स का, इज टू कंडक्टेड इन अ वे दैट सर्व इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड सोसाइटी एज अ होल। थर्ड एंड फाइनली द थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एग्जामिन स्पेसिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स फॉर देयर एथिकल साउंडनेस, लुकिंग एट इशूज सच एज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। 34th पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना भूल गई। एक्सपेरिमेंटेशन के तीन रूल्स होते हैं, सबसे पहले होता है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जितने भी आपने वेरिएबल्स लिए हैं, जितना भी आपने डाटा लिया है उसको मैनिपुलेट करना, उसको चेंजेस आप करना अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इज अ मेन टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंटल में, इज अ सेकेंड नेम ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 35th पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंप्लीटेड इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, दिस इज अ थर्ड नेम। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकेंड नेम है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, एंड थर्ड इज कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 36th टॉपिक इज वन टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सा होता है, जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करते हो, स्टैटिस्टिकल डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लेते हो। एक होता है क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा होता है इज़ लाइक अ हिस्टोरिकल, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, इसमें जो भी पास्ट में हो चुका है आप बस वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो विच इन्वॉल्व एग्जामिनिंग पास्ट इवेंट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। 37th पॉइंट इज द स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च आर फॉर्मुलेशन एन आइडिया, फॉर्मुलेशन अ प्लान, गैदर डाटा, एनालाइज डाटा एंड एनालाइज द सोर्सेज ऑफ डाटा। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हिस्टोरिकल रिसर्च के हैं। रिसर्च में जितने भी स्टेप हैं हमेशा स्टार्ट होंगे प्रॉब्लम से, सो आप हमेशा ये याद रखना। नेक्स्ट 38th पॉइंट इज ये मैं आपको बताना था, जो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म ने किया है, जो कि न्यू टॉपिक है रिसर्च में, उसका ये एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ पॉजिटिविज्म इज अ क्रिश्चियन बीइंग एब्सोल्युटली सर्टेन देयर इज अ गॉड। ठीक है, अब इसके आगे वो नहीं सोचते हैं, इनको आप फैक्ट्स एंड फिगर दिखाओगे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी मान चुके हैं इस चीज़ को, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं कि गॉड है, बट हमें उसके आगे जो सोचें, मतलब जो उस लाइन के आगे सोचें, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट 39th पॉइंट इज देर आर फोर मेन टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फेस टू फेस, कंटेंट एनालिसिस, क्वेश्चनियर, बट दिस इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं। फर्स्ट इज क्वासी एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज टू लाइक अ कैजुअल, मतलब कॉस्ट एंड फैक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, सो वो आपका हो जाएगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। लास्ट टॉपिक इज सर्वे रिसर्च, इसके आपको नाम से पता लग रहा है सर्वे, मतलब जब आप सर्वे करते हो, आजकल जो है, जो आजकल जो टाइम है, अब आपको पता है ऑनलाइन सर्वे इज़ मोस्ट पॉपुलर रेदर देन ऑफलाइन सर्वे, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके यूज़ होते हैं इंटरव्यूज़, वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी शॉप पे आप कर सकते हो, कोई भी मॉल है आप वहाँ पे देख सकते हो, सर्वेज होते हैं, मतलब आप वहाँ पे 5-1 रैंकिंग होती है, 5 इज़ द बेस्ट देन 1 इज़ अ वर्स्ट, तो ये एक तरह से कुछ इसमें एनालाइजेज होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, क्वेश्चनियर्स एंड सैम्पलिंग पोल टू गेट अ सेंस ऑफ बिहेवियर विद इंटेंस प्रिसाइजेशन। आजकल आप देख लोगे फेसबुक पे पोलिंग होती है येस और नो का, तो वहाँ पे वोटिंग होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्वे। सो ये हमारे 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, 40 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रिसर्च अपडेटेड सिलेबस का पार्ट है। इसमें आपका पूरा रिसर्च भी कवर हुआ है, टाइप्स भी, स्टेप्स भी, पोस्ट एंड पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट
पोस्ट पॉजिटिविज्म भी और टाइप्स ऑफ रिसर्च भी. सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी. अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो. प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप वीडियो और ये न्यू टॉपिक पे है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगे तो. और इससे पहले जो वाली वीडियो है जिसमें मैंने रिसर्च के आपको बेसिक्स बताए हुए हैं और वो 10 ईयर पेपर से भी इन्वॉल्व है, तो वो भी ज़रूर देखना और उसके बाद ही ये ज़रूर देखना. और ऐसे ही मैंने टीचिंग पे भी बनाई है अपडेटेड पॉइंट्स पे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो अब ये दोनों ज़रूर देखना. थैंक यू.